सब्सक्राइब कीजिए टेकी जैमिन को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जैमिन, आप देख रहे हैं टेकी जैमिन। दोस्तों, Realme कंपनी ने अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है इंडिया में, जो है जिसका नाम है Realme U1, जिसका सभी को आपको इंतज़ार था, तो फाइनली लॉन्च कर दिया है। जो इंडिया जो वर्ल्ड का पहला ऐसा स्मार्टफोन है जो MediaTek का Helio P70 के प्रोसेसर पे आने वाला ये प्रोसेसर है फ़ोन है, यानी कि ये पहला ही फ़ोन है कि जो आपको एक पहले से ही आपको MediaTek का जो नया प्रोसेसर अभी लॉन्च हुआ था एक महीने पहले, वो प्रोसेसर आपको इसमें फ़ोन में मिलता है। तो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस वाला आपको प्रोसेसर आपको मिलता है। तो ये फ़ोन आपको Realme कंपनी ने फाइनली लॉन्च कर दिया इंडिया में, जिसकी प्राइस भी बहुत ही अच्छी है और इसकी स्पेसिफिकेशन बहुत अच्छी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी रोजी वीडियो लाता रहूँगा। तो स्पेसिफिकेशन स्टार्ट करते हैं, इसमें पहले आते हैं डिस्प्ले। तो डिस्प्ले में आपको 6.3 इंच की फुल HD प्लस की 19.5:9 डिस्प्ले रेशियो वाली आपको यू ड्रॉप नॉच वाली डिस्प्ले आपको मिल जाती है, यानी कि एक आपको छोटी सी नॉच जो Realme 2 Pro में आपको मिलती थी वैसी नॉच वाली आपको डिस्प्ले मिल जाती है, और 19.5:9 एस्पेक्ट रेशियो वाली आपको डिस्प्ले मिल जाती है, जिसमें आपको 2.5D कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है। पीछे की तरफ ये आपको ग्लास फिनिश आपको मिल जाता है, और 19.8% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आपको मिल जाता है, यानी कि अच्छी आपको बॉडी मिल रही है, अच्छा लुकआउट भी आपको मिल रहा है। तो वो सेम आपको जैसे Realme 2 Pro में मिलता था वैसे आपको डिज़ाइन लुक आपको इसमें मिल जाता है। अब बात आती है इसके चिपसेट की, तो सबको पता ही है कि आपको Helio का P70 प्रोसेसर मिलता है, जो एक 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे काम करता है, जो एक 8 कोर का ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, जिसमें जो पहले जो 4 कोर है वो 2.1 GHz पे काम करते हैं कॉर्टेक्स A73 पे बेस पे, और दूसरे जो 4 कोर है वो 1.8 GHz पे काम करते हैं कॉर्टेक्स A53 पे। तो एक बताना चाहूँगा, एक अच्छा CPU आपको मिलता है। GPU की बात करें तो इसमें मालिक का G72 MP4 का आपको GPU मिल जाता है, जो बहुत ही अच्छा एक GPU आपको मिल जाए, यानी कि गेमिंग परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छी होने वाली है। अब बात आती है इसके रैम वेरिएंट और स्टोरेज वेरिएंट की बात, तो इसमें आपको दो वेरिएंट मिलते हैं, 3 GB रैम 32 GB इंटरनल स्टोरेज और 4 GB रैम 64 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में दो वेरिएंट आपको मिल जाते हैं। इसमें मेमोरी कार्ड लगाने का ऑप्शन इसमें दिया जाता है, वो डेडिकेटेड स्लॉट इसमें दिया गया, क्योंकि Realme 2 में भी आपको डेडिकेटेड स्लॉट मिलता था, इसमें भी आपको डेडिकेटेड स्लॉट मिलता है जो 256 GB तक आप एक्सपेंड कर सकते हो। अब बात आती है इसके रियर कैमरा की, यानी कि रियर कैमरे में आपको ड्यूअल रियर कैमरा मिलता है जो 13+2 MP का कैमरा है, जिसका एपर्चर F2.2+F2.4 का इसमें एपर्चर दिया गया है। सिंगल टोन LED फ्लैश आपको मिल जाती है, यानी कि एक अच्छी ड्यूअल कैमरा का सपोर्ट आपको इसमें मिल जाता है, और इसमें आपको 4K तक की और 1080p तक 13 FPS तक रिकॉर्डिंग आप कर सकते हो। तो रिकॉर्डिंग के मामले में भी अच्छा स्मार्टफोन है। अब बात आती है इसके फ्रंट कैमरे की, जो इसकी मेन हाईलाइट है, तो इसमें आपको फ्रंट में जो कैमरा आपको मिलता है इसका 25 MP का आपको सेल्फी कैमरा मिलता है, जिसमें आपको F2.0 का इसमें एपर्चर मिलता है, जिसमें आपको सेंसर है वो सोनी का IMX576 का आपको सेंसर मिलता है, यानी कि लो लाइट कंडीशन में भी अच्छी सेल्फी आप खींच सकते हो, और 1080p तक 13 FPS तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो, और फेस अनलॉक का भी सपोर्ट इसमें दिया जाता है। अब बात आती है इसके बैटरी और सॉफ्टवेयर की, तो इसमें आपको 3500 mAh की आपको बैटरी मिल जाती है। हाँ, आपको 5V 2 A का ही चार्जर एडाप्टर मिलेगा, यानी कि 12V का ही आपको चार्जर एडाप्टर इसमें इन द बॉक्स आपको मिलता है, इसमें फास्ट चार्जिंग नहीं दिए गए, और इसमें Micro USB 2.0 इसमें मिल जाता है। अब बात आती है इसके सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर में आपको एंड्रॉइड ओरियो 8.1 मिलता है, जो एक ColorOS 5.2 के वर्जन पे काम करता है, तो आपको नया सॉफ्टवेयर भी आपको इसमें मिल जाता है, तो इसमें भी अच्छा काम किया है रियलमी ने। बात आती है इसके कनेक्टिविटी और सेंसर की, तो इसमें आपको सभी सेंसर आपको मिल जाते हैं, जो नॉर्मल जनरल सेंसर है वो सभी सेंसर आपको इसमें मिल जाते हैं। फिंगरप्रिंट सेंसर आपको रियर माउंटेड आपको मिल जाता है, जो सेम आपको रियलमी 2 प्रो में आपको मिल जाता है, रियलमी 2 में भी मिलता था वैसे ही आपको फिंगरप्रिंट सेंसर आपको इसमें मिल जाता है। ट्रिपल स्लॉट इसमें दिया जाता है, दो नैनो सिम और एक माइक्रो एसडी कार्ड लगाने का स्लॉट इसमें डेडिकेटेड दिया जाता है, तो वो भी अच्छी बात है, आपको ट्रिपल स्लॉट का सिम स्लॉट आपको मिल जाता है। 3.5 mm का ऑडियो जैक आपको इसमें मिल जाता है, Micro USB 2.0 मिल जाता है, OTG का भी सपोर्ट इसमें मिलता है, फेस अनलॉक का भी फीचर आपको मिल जाता है इसमें, ब्लूटूथ का 4.2 आपको इसमें मिलता है, जो भी अच्छी बात है। अब बात आती है इसके कलर वेरिएंट और प्राइस की, तो इसमें आपको 3 कलर वेरिएंट में आपको ये फ़ोन मिलता है, एक ब्रेव ब्लू, एम्बिशियस ब्लैक और फेरी गोल्ड, ये 3 कलर वेरिएंट में आपको अच्छा लुकआउट आपको मिल जाता है, एक अच्छी ग्लॉसी फिनिश के साथ में आपको ये मिल जाता है ये फ़ोन।
प्राइस की बात करें तो इसमें आपको जो स्टार्टिंग प्राइस है 3 GB 32 GB वाला जो वेरियंट है इसकी प्राइस रखी गई 11,999 रुपये, यानी कि 12,000 की प्राइस में आपको ये फ़ोन मिल रहा है। और 4 GB 64 GB वाला जो वेरियंट है इसकी प्राइस रखी गई है 14,499 रुपये, यानी कि 14,500 की प्राइस में आपको ये फ़ोन मिल रहा है। और ये एक्सक्लूसिव अमेजोन पे मिलने वाला है, 5 दिसंबर से उसकी सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। और इसमें आपको 5% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है SBI से, जो SBI बैंक से आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो वो भी अच्छी बात है, आपको अच्छा डिस्काउंट भी आपको इसमें मिल रहा है। तो रियलमी का जो सभी का आपको इंतजार था, तो सभी स्पेसिफिकेशन में सेम आपको एक ही जो दो ही मेन हाईलाइट है वो है एक इसका सेल्फी कैमरा और इसका डिस्प्ले और इसका प्रोसेसर, ये 3 चीज़ ही आपको मेन मिलती है, बाकी कुछ इसमें ज़्यादा है नहीं कि जो आपको रियलमी 2 में मिलता था वैसा ही आपको सेम आपको मिल रहा है। तो सेम थोड़ा सा है, सिर्फ आपको इसमें प्रोसेसर नया वाला उसमें दे दिया है, जो एक अच्छा परफॉर्मेंस वाला आपको प्रोसेसर मिलता है। तब देखते हैं कि दूसरी कौन सी कंपनी आती है जो इसमें आपको अच्छा वाला आपको प्रोसेसर के साथ अच्छी स्पेसिफिकेशन मिल जाती है। तो दोस्तों ये थी रियलमी U1 की स्पेसिफिकेशन वीडियो। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं ऐसी रोज की वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।